कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में अगली रात कैमरा पर्सन नारायण के साथ में तो ये कार्यक्रम आप हर एक दिन इतने समय से देख सकल जत जिमें हमारे हमने की समाज की विकृति कैसे हटाए के असल सभ्य समाज के निर्माण हमारे कैसे करी के संबंध में हमारे विशेष कह के सर सकल जत प्रवृत्ति के विकास संग हमारे के जो कला संस्कृति बा धीरे धीरे लोप होते जात बा ते इकर जगेर न करेक हमरे एकदम आवश्यक बा। जब तक हमरे अपन कला संस्कृति के जगेर न करेक नहीं सके तब तक हमन के असर से समाज के निर्माण हो नहीं सके, यानी कि हमरे अपन सारा पहचान खो दे। पहले हमन के प्रवृत्ति के विकास नहीं रहे, अब हर एक चाड़ पर्व हमरे विधिवत रूप से मनात रही, उद्योग धंधा के उतना विकास नहीं भैल रहे, खेती किसानी में हमन के जीवन व्यतीत होते रहे। आज पुरखा काच के हर बना के जोतत रहने, गोरु प्रयोग में लानत रहने, पुरुष लोग रहने अब खेत में काम करत रहने, और जो महिला लोगन रहने घर में सवेरे उठ के जल्दी से चूल्हा चौका के काम उड़वा के बिया बैठाए जत रहने, ते उतना समय में अब ढेर ढेर खेत रहे, तब पर भी अब प्रवृत्ति के विकास ना हो लेकिन ना तो सब जन में मेल मिलाप रहे, एक घर परिवार में ढेर से ढेर परिवार बैठत रहने, मेल मिलाप के साथ में सब जन के अपन कार्य विभाजन रहे। अब कोनो खाना बनाए के ते कोनो बाहर के काम करे के ते फिर भी ओकन में कोनो प्रकार के विवाद ना रहे, एकदम विधिवत रूप से और सलाह के साथ में कोनो भी काम करत रहने। ते उतना गरीब में अब कहावत रहे कि जब खेत में जाते रहने तब पर भी अब कहने की संगीत के आवश्यक परत हम ऐसे पहले भी चर्चा कह चुकल बाटी कि जब महतारी के कोख से जलमल जी तब से हमन के संगीत की आवश्यकता परत कल के मतलब एक ठू बच्चा जो ने महतारी के अमरी समान दूध चूस के बड़ा हो तो उतने समय में भी ओके गीत संगीत आवश्यक रहत। कहे से अब महतारी जो ने एक ठू मीठ भाषा में लोरी सुना की गीत सुना की सुताने संगीत सदन के लिए आवश्यक बा। इतनी बार फर्क बा कि एक ठू छोट लग के दूसरा किस्म के गीत एक ठू युवा के दूसर किस्म के और वृद्ध के दूसर किस्म के और जे खुशी बा ओकर दूसर किस्म के कल के मतलब गीत संगीत सृजन के लिए आवश्यक बा। इतने फर्क बा कि अब एक ठू लड़का के उहे मेर के गीत रहला और युवा के उहे मेर के और वृद्ध के उहे मेर के ते वैसे अब खेत में जात रहने ते एक ठू बिरहानी कहा जाए या खेत में बैठने के समय में गा वाला गीत गात रहने जिके से का हो कि जोन अपन काम बा संगीतमय बना देते रहने और काम करे के ओखन के थकाई महसूस नहीं होते रहे। अति वैसे हर एक समय में हर एक क्रियाकलाप करते रहने और वैसे मेरे के गीत रहे। बकिन का आजकल देखा जाते गीत संगीत लोप तो नहीं भल बा, बकिन का पहले के जौन हमन के गीत रहे हमन के संस्कृति अनुसार के गीत गात रहने वो लोप हो चुकल बा। आज थारू जन कवि बम बहादुर थारू से वहाँ से हमारे बातचीत कर जी, वहाँ भी अब दर्जनों किताब प्रकाशन में ल्या चुकल बाटी, वहाँ से कल बातचीत। धन्यवाद, नमस्कार। आजकल देखल जाए हम थारू नेपाली अवधी भोजपुरी शब्दकोश में व्यस्त बाटी। अब ओके पहले कापी में लिखले रही, कापी से लैपटॉप में टाइप कर भैली, अब फिर ओके मिलात बाटी। अब हमें भोजपुरी अवधी भाषा मिलाए पड़ी, अका का बिगड़ल बा बनल बा ओके सब सच्चाई बा, यह काम में व्यस्त बाटी। ये काम तो हम बहुत पहले से करत बाटी, थारू शब्दकोश बनाए के लिए, बाकी करत 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 कर बीच में तनी उतना काम ना हो पाए, लेकिन 2 साल से वही लागल बाटी। अभी शायद साल भर लगी हमें टाइप सुधार करत, यह काम में बाटी है शायद व्यस्त। 2028 साल में पहला किताब हमार छपल रहे 16 बरस की उम्र में, वो किताब चौताल करेजा फार, ये 2028 साल में चौताल रस भरी, 2049 साल में चौताल हथगोला, 2049 साल में ये जिंदगी, 2055 साल में आंसू का थोपाहरू, 2055 साल में समाज सुहानी झुमड़ा भागे, 2062 साल में कितबिया निशानी गीत संग्रह, 2062 साल में हुलुकबान दोहा संग्रह, 2065 साल में रूपनदेही को थारू समाज, 2067 साल में उच्चतम बौद्धिक खुराक प्रेस में बा, ओकरे बाद भी 3 किताब और समाज सुहानी झुमड़ा भाग 2 ये छपल बा, ओकरे बाद माधव नल काम कौंडला छंद कुमारी, ये थारू भाषा में छंद में कविता 18 छंद में कविता लिखाएल बा, ओकरे बाद पूरे मेची से महाकाली तक के थारू लोगन के भाषा के एकीकरण करे के थारू भाषा एकीकरण सर्वेक्षण कह के एक किताब वह प्रेस में बा। एकरे बावजूद भी अब गीत संग्रह, बाल कविता संग्रह, कविता संग्रह,
तमाम किस्म के अभिनव छपना पायल बा। लगभग 10-15 पुस्तक हमार बिना छपल वैसे पांडुलिपि के रूप में बा। अभी तक मैंने 13 पुस्तक हमार प्रकाशन में आ चुकल बा। एकर मुख्य उद्देश्य हो कि कोनो भी जात जाति के भाषा अगर नाइ लिखित रूप में ओके रखल जाए, नाइ ओके बचा सकल जाए, ओके प्रकाशित नाइ कल जाए, तो वो धीरे धीरे लोप हो जाए। भाषा जेकर लोप हो जाए पाछे जाके ओकर समाज या ओकर जे बोलैया बाटा उनके सब संतति समाप्त हो जाए। वही खातिर हमन के भाषा संस्कृति बचाए के लिए ये क्षेत्र में हम लागल होली। ओकरे बाद में अब देख ली कि ये समाज में का बात बस साहित्य क्षेत्र में बहुत कम मनई लागल हाँ। यही नाते थोड़ेक हमार का विचार आयल कि हम लागल बाटी तो लागल बाटी तब लगले रही। धीरे 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 ऐसे करते करते महाकाव्य भी लिखे हमार चेत में बा। गुरुवा सम्मेलन महाकाव्य भी लिखे हमार विचार बा। लगभग 400-500 पेज पुग गए तो यह हिसाब से हम इस क्षेत्र में लगली। सारा संपूर्ण अपन जिम्मेवारी बोध कह के ये हमें लागल बाटी। छंद कुमारी ये पुस्तक के नाम हो, ये छंदबद्ध कविता संग्रह हो। मंदा क्रांता छंद में ये कविता बा। तो यह में म गण भ गण न गण त त गण गु गु यह छंद में ये कविता लिखाइल बा। अभी छंद मंदा क्रांता छंद में 17 अक्षर होत, 2, 4 और 10 में विश्राम होत। अभी कविता सुनल जा। गल्ली बे गल्ली मजिपी हवा धूर धुआ उड़ावे, भीते भीते टसट परचा खोब नारा लगावे। भारी साभा लगत जनता ढेर सारा जुटावे, फूरे फूरे लगत कहना मैक नेता सुनावे। एक नेता प्रचार में आयल बाटा। श्रोता श्रोता सारा श्रोता कहल तुहसे जाई का काम करबो, कैसे कैसे हमन घरे रोड बत्ती नियनबो। आसे आसे थू न थग दे ना परे निराशे, कई के देखाब कहल सुनी जितु आई सवासे। हक्के पारी कह तू कुल से ओट मांगू पुकारू, गोड़े मुड़े गिरलू धरती दाँत आजू चियारू। एक लागे क्षेत्र पछड़ल विकास हाली लियानू, सज्जू सामा लड़ झगड़ के तोहने ओर तानू। रोए मुँह गरीब के कुर्सी पैते हँसाऊ, गावे ठावे सड़क बिजली तार जैते नचाऊ। पानी पानी जिन कल्पना बांधऊ चा उठाऊ, बिल्ला जावे घर बकिन का एक दमड़ी न खाऊ। उ मज्जा भाषण सुन खुबे जोर ताली लगैली, आवे निर्वाचन हम कही के मोर नेता जितैली। फूला माला अबीर कलशा खूब खुशी मनैली, नचते गईते संसद भवने काठमांडू पठैली। जीते नेता अपन मन में लाग सोचे बिचारे, इतना इतना धन लगल वो खर्च कैसे निकारे। कैसे मंत्री मई बनमहू जाल बीने उधाड़े, बल्ले तल्ले डगमगऊ नैया लगावे किनारे। मंत्री भैलो सपर गैलो बात कुछ ना सुनैलो, आगे तू चप्पल पहिर के आज जूता हिलैलो। भिक्षा मंगलो दरद लग के एक छापा गिरैली, कैसे आजू बिसर गैलो भेंट फोनो न कैलो। झंडा गाड़ी सब ही सरकारी उर्दी लगैलो, डेरा मंत्रालय महलदारी में मस्ती उड़ैलो। भारी भारी तस्करन से
मेला जोस्ती जुराइलू धीरे धीरे जनता मन से नावनाता भुलाइलू कौने मेर के रहनी बसनी खान खर्चा जुटाइलो उतना भारी शहर महंगी दाम कैसे पुगैलो कैसे तिरलो भवन भरती ढेर लैका पढ़ैलो हीरा मोती घर जनिन के लाख तोड़ा कमैलो मिठे मिठे खयन पियना ताम झामे बढ़ैलू अरबे खरबे बजट रकमे बिल पासे करैलो प्रथमे जोरलो मई घर घरेरी में कोठी उठैलू कारिंदा नौकर पियन गाड़ी लावा चमकैलू का तू कैलो बजट निकरे दाम नाई पठैलो सबसे जब से गैलो कहल किरिया एक पूरा न कैलो के ही त समझ के बिसरैलो गवैया खोजला खोजला बिन दरस निराश अला जवैया गावे पुगना बजट अपने नाम खाता खोलैलू जो केऊ आए गौलियने बिन भेटले पठैलू ठेक्का पट्टा कर कमीशने नोट भिट्ठा कमैलू बंगे बंगे शहरियन के पोसलू गरीबे सतैलू नदी बेचनू बन पहड़वा संधि घाटा करैलू जेते जेते टिम टिम करे सैन्य गोली चलैलू मैका जानू रगत पसीना भाग्य तकदीर पैलू खा पी के मई अजिन बनू सरकार बदनाम कैलू उद्घाटन में रिबिन कटलू सील नियास कैलू अलू गैलू संघरियन के समेत भत्ता खवैलू भारी भारी बैठकन में भाग भाषा मिलैलू एरोप्लेन घुमलू खूबे पांच माटी बितैलू। थारू जन कवि बहादुर थारू हर किसिम के वहाँ गीत लिखले बाटे। अब जैसे आजकल जौन एकदमे हर एक जगह में हर एक निकाय में भ्रष्टाचार होत बा जनता बाटे वोट दे के नेता लोगन के जितने फिर भी वह नेता लोगन जनता के उतना समय में फुसला के दारू पिया के या तमानी जिनसी सामान प्रदान कह के या विकास निर्माण के काम कह दे कह के लालच देखा के जब सत्ता पर पुगने अते जौन जनता के मत रहे मत के कदर नहीं कहने यानी कि जनता वोट दहने निर्वाचित हो चुकने बकिन का जनता जौन वहाँ के उचित सम्मान होना हो वहाँ जनता नहीं पहने कल के मतलब ऐसा हो कि जब शासक शासन करे नहीं हो कि जनता की सेवा करे हो फिर भी कौन भी राजनीतिक दल के नेता लोग बाटी गाँव घर में जाके निर्वाचन के समय में तमने लालच देखने हाथ गोड़ जोड़ने फिर भी जब निर्वाचित हो चुकने ते जनता के बुलागिने यानी कि जो न मत की कदर बा मत की कदर नहीं किने और उतना समय में ते कहत रहने अब ये गांव में कौन भी विकास निर्माण के काम बा सड़क बा या हम हर चीज़ बना दे कहीं के फिर भी जब जीत गिने ते अपन लैकन के बाहर विदेश पढ़ाई के सकने कहा जा अपन घर बना सकने और अरबों खरबों जगह जमीन खरीद कर नहीं सकने भ्रष्टाचार कैने बकिन का जनता के लिए कुछ नहीं हेरने जब तक हमारे जनता सचेत हो कि नहीं सकल जी तब तक जो नेता लोगन बाटे अपने अनुसार के ओकरे भ्रष्टाचारी करते रहें और हमारे जनता ज्यों के त्यों रहे नेता लोगन के हमारे देखल जी अखन के बैकग्राउंड देखल जीते पहले अब एटू हाथी छापी चप्पल पहर के रेंगत रहने फिर भी आजकल देखल जाते अब करोड़ों के गाड़ी में उहे जनता वहाँ तक पुगेले बाटे अखन के फिर भी जनता के जो मत की कदर बा मत की कदर नहीं करते बाटी ते ऐसे संबंध में भी हमारे बहादुर थारू से लेख रचना सुनल गिल तेमा हमन की सचेत हो एक आवश्यक बा। अब हमार लिखल जो झुमड़ा हो वो बहुत साल से समाज में करते बाटा अब उसे शिक्षा लेते बाटा बहुत जने अब ये जौन लहंगा फरिया रहे जौन मनरा रहे ये कुल लोप हो गए रहे लेकिन जब से हमार लिखल झुमड़ा गाय लगना नाचे लगना तब से जौन बतौन ओकर फिर संरक्षण हो गए फिर मने धोती पहरे लगलँ नाई लजाए लगलँ जोड़ा जामा पहरे लगलँ फिर मनरा छवा लागल गांव गांव में फिर झुमड़ा हो लागल तो ऐसे प्रकार के
ओहमे शब्दावली बा कि जे समाज के थोड़ा सा उजागर करे वाला दोहा संग्रह बा, दोहो भी बहुत मने पढ़ के हमार प्रभावित होल बाटन, जगह जगह में ओकर उदाहरण भी दे के मने कहला। इसी लिए समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर चेतना फैलला, ओकरे बाद हमार संघरिया भी बहुत बनला, हमरे देखा सीखी कह के हमरे लेखा काम कह के कुछ आदमी कभी भी बनला, बहुत पुरस्कृत भी भैला, अनेक प्रकार के मनन के मार्गदर्शन देहत बाटा वो सब। इसी लिए जरूर यही से कुछ न कुछ फायदा हो कह के हमें लागत। हाँ देख लसना तो बहुत बा, लेकिन अब बहुत में से अब एक आधे चाहे सुना मिले, अब हम से कौन उत्कृष्ट बा कौन ना उत्कृष्ट बा नहीं, अब उ समाज अपन अथी करी। लेकिन 2055 साल में प्रकाशित होल एक ठू रचना बा हमार, ई जिंदगी खंडकाव्य, वही में से दुई चार कविता सुनाए के मने अनुमति चाहत बाटी। ई जिंदगी खंडकाव्य हो तो ई 2055 साल में प्रकाशित होल, तो ई जिंदगी का हो, ई जिंदगी का हो कह के एकर मेन उद्देश्य हो। अब जहाँ तक हम मने उदाहरण दे सकले कि ई हो ऊ हो, तो उहे कह के लगभग 200 पद में ई किताब अंत भइल बा। तो सबसे पहला ई जिंदगी के एक नंबर के कविता, ई जिंदगी एक बिंदु हो, सरिता सागर सिंधु हो, पिंड पदार्थ तत्व हो, यौगिक निर्जीव वनस्पति जंतु हो, बौद्ध जैन हो, सिख ईसाई मुसलमान हो, हिंदू हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी एक स्वप्न भावना तंतु हो। कुछ तित्त तित्त कुछ मिठ मिठ कुछ यामिल बा गोदामिल बा, कोरू बा करछात बा कुकुआत बा ऐतात बा, कुछ चटर पटर कुछ रुखर बा कुछ सेन बा कुछ बकसात बा, अंतिम में जाके ई जिंदगी अखिरांत में बेस्वाद बा। बड़ा समोसे जोहत हो, कुछ बाठिन हो, कुछ बोहट हो, तनी तनी जब रोहत होते गाली लेके पोहत हो, छिटिया लुग्गा सोहत होते कुलहिन के मनमोहत हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी ते एक लागे चकचोहट हो। फूटल भेलिक टुक्का हो, हलकल ढेंकिक चुक्का हो, दानुक बारल लुक्का हो, अन्हारे मारल मुक्का हो, राही पर के झुट्टा हो, अलपतरे ढरकल हुक्का हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी खरिहानम गाड़ल झुक्का हो। मुँह दुब्बर हो, मुँह दुब्बर हलकक तरहा हो, आरी पर के चढ़ा हो, पानी पर टहना बढ़ा हो, गोझनौटे में बाझल दरहा हो, जोलहट्टी लहंगा तरहा हो, बजर ही लढ़िया भरहा हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी एक जाले में उलझल खड़ा हो। सोंग हो तक तान हो, बरई के पान हो, गोनरी के तान हो, चक्कू में के शान हो, द्वितीया के चान हो, भाते में के धान हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी उठ बैठ के पकड़ल कान हो। शुद्ध हो हर मोट हो, झोहरैले ओ भरकोट हो, कमैले कड़कर नोट हो, ठेहुने में लागल चोट हो, निर्वाचन कैले वोट हो, या मुरगी के मोट हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी एक धुन्ना पारल सोंट हो। बरसल पानी बुन्ना हो, जलमतुआ लैका मुन्ना हो, बनवन ठोकना मुन्ना हो, या बनल भेलिक दुन्ना हो, भरोई बंदूक के कुन्ना हो, या धोरिम खाँचल गुन्ना हो, अंतिम में जाके ई जिंदगी बस भेली बटे सुन्ना हो। तो इसे हमन के समाज की विकृति विसंगति तब तक हटक नहीं सकी जब तक हमरे अपने आप सचेत रह नहीं सकल जी, तब तक हम के समाज की विकृति विसंगति बा ऐसने फैलते जाई। तो वैसे हमन के थारू जनकवि बमादुर थारू से हमरे बातचीत कल जता इतना घड़ी। आप देखल जत बा बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन कार्यक्रम के साथ में हम संचालक राज, ऐसे हमन के कैमरा पर्सन बटे नारायण, अत वैसे हमन के समाज के जोन विकृति बा विकृति विसंगति हटे हमन के जोन जनता बाटी, जनता एकदम सचेत होकर आवश्यक बा। जब तक हमरे अपने आप नहीं लागल जी तब तक असर से भी समाज के हमरे निर्माण करे नहीं सकल जी। संस्कृति हमन के थारू लोगन में कौन कौन समान रहे आजकल के लैकन के मालूम नहीं बा। थारू ये कविता के शीर्षक में तोटक छंद में ये कविता सुनाए जात बाटी। एहमें 12 ठू अक्षर होत प्रत्येक लाइन में, तीन तीन में विश्राम होत, जमा 12 ठू अक्षर होत। एहमें खाली स गण स गण स गण स गण, चार ठू स गण के ई कविता बनल, चार तिया 12 अक्षर के। कौन कौन चीज थारू उनके घरे रहत ई थारू कविता में ये आप लोग सुनल जाए। टणिया सुतिया नथिया झुलनी, टिकुली हंसुली पहिरे थरुनी, खटिया मचिया ढकिया छतरी, सब थारुन के संगहा भीतरी। लसुरी सुतरी बगनी झबनी, सुपली ढकुली चलनी बढ़नी, चिपरी टिकरी भौरी ढिकरी, कुल थारुन से घर से निकरी। हंसुआ पखुआ खुरपी बसुला, जुइना ढोइंगा बहिंगा सुइला, लढ़िया बरदा मनरा तबला, अब थारू कहाँ डरला बिसरा।
बड़का नचिया झुमड़ा झमटा बिरहैन कहाँ झिझिया फगुआ खुदयापन राज निशान कहाँ नहीं खोजत बा पहचान कहाँ। इ थारू लोगन के कहल हो कि हमरे अपन चीज़ जौन पुरान रहे उ भुलवा डालल जाता, वही के लिए ये सब संग्रह करना जरूरी बा। तो ये कविता थारू के ये छोट कविता रहे, यहीं समाप्त रह गई। समाज सुहानी झुमड़ा समाज सुहानी झुमड़ा भाग दुई कहमे से पेज नंबर 6 गाना नंबर 5 राग धीमा। एकर पहले दोहा सुनल जाए। दोहा लोही लागल भी नहीं हाँ, लोही लागल भी नहीं कि सूतल चादर तान। उठो उठो थारू उठो हाँ, उठो उठो थारू उठो कि मुर्गा दे हलबान। अरे अब जीना सुतहु उठहु थारू भाई, मुर्गा लगल गोहराई। अरे अब जीना सुतहु उठहु थारू भाई, मुर्गा लगल गोहराई। हरे दुनिया पुगल चंद्र लोक हमरे धरती सुराई, दुनिया पुगल चंद्र लोक हमरे धरती सुराई। अरे आगे आगे प्रवैधि उन्नति सब कैला, लवा लवा बनल दवाई। अरे आगे आगे प्रविधि उन्नति सब कैला, लवा लवा बनल दवाई। ऊपर गह के हुआ कला हवाई हमरे छगड़ी चराई। उपग्रह के हकला हवाई हमरे छगड़ी चराई। अरे सुन दिलवर जनिया बदली गैला दुनिया, जिनया वो गुनिया कहाई। अरे सुन दिलवर जनिया बदली गैला दुनिया, जिनया वो गुनिया कहाई। अरे करहु संभर के पढ़ाई नहीं ते परि पछिताई। करहु संभर के पढ़ाई अरे खाली हर जोतले मुक्ति नहीं बनहु बनहु उद्योग व्यवसाय। अरे खाली हर जोतले मुक्ति नहीं मिले बनहु उद्योगी व्यवसाय। अरे सिखहु ज्ञान चतुराई ताजी सोझवा उपाय सिखहु। अरे अपने समाज देखहु दूर गतिया छोड़ी देहले कहे बाबा दाई। अरे अपना समाज देखहु दूर गतिया छोड़ी देहला कहे बाबा दाई। हरे रीति अपनैला पराई वो नहन समुझाई। रीति अपनैला पराई वो नहन समुझाई। हरे बिना इतिहास बिना बोली भाषा बिना संस्कृति स्थाई। हरे बिना इतिहास बिना बोली भाषा बिना संस्कृति स्थाई। अरे नहीं जीवित रह पाई हो कौनो समुदाय नाई। अरे हीन भावना तहु तन मन से हृदय ज्योति जगाई। अरे हीन भावना तहु तन मन से हृदय ज्योति जगाई। हरे जनमी बुद्ध पलिवारी थारू कहतो लजाई। जनमी बुद्ध पलिवारी में थारू कहतो लजाई। आजकल हम काम में लागल बाटे जौन शब्दकोश हो थारू नेपाली भोजपुरी अवधि शब्दकोश कपिल वस्तु रूपंदेही या नवल परासी के कुछ भाग के समेट के जौन हमार बनत बा शब्दकोश
ई पूरा करे के हमार मुख्य उद्देश्य हो। ई पूरा कैले के बाद ही में हमार खास उद्देश्य पूरा हुए। बीच बीच में और निबंध लेख कथा इत्यादि थे छपते हमार रही। ये कहते आप लोगों से हम विदा हो चाहत बाटी। जय भाषा जय संस्कृति। नमस्कार। समाज के विकृति का कहा पहचान कर जा आजकल देखा जाता तमाने गायकर बाटी लेखक बाटी फिर भी ओखन के अब हमरे देखा जाते एक समाज नया दिशा और नाई की एक अन्हार कहा जा कि एक विकृति विसंगति और ले जाए वाला यानी डोरियाए वाला गीत रचना लिखत बाटी थे वैसे का होला कि हमारे के समाज में नई बढ़िन छाप पहुँची भी लेख रचना लिखत हो या हमरे कौन भी गीतकार हो फिर भी हमन के ऐसा सोचे आवश्यक बा कि हमन के जौन हम गीत लिखत बाटी कविता लिखत बाटी ते ओके से का हो कि हमन के समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पुगे नहीं ते जौन एक डॉक्टर बिरबिहारा लाओ के कैसनो दवाई दे दे ते जौन बिरबिहारा लाओ के रोग ठीक ना हो के जगह में और वो बिरमा जाए ते ऐसा करे हमन के आवश्यक नहीं बा कैसे जौन एक गीत संगीत रहला गीत संगीत में भी समाज में नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पुगला। यदि हमन के गीत संगीत बेकार रही अश्लील मेर के रही ते हमन के समाज वैसे गंदा होत जाई और हमारे कुछ देखल जा अब हमारे नाव खोले नहीं चाहे कि हमारे केहर देखल जा कि जो व्यक्ति बाटी ढेर से ढेर ओकरे गीत लेख रचना लिखत बाटी वैसे विजुअल भी करत बाटी नृत्य भी करत बाटी पैसा भी कमात बाटी फिर भी ओखन के सोच नहीं बा ओखन एक पेशे बन गई बा हम पैसा कमात हई गीत लिखत बाटी यानी कि कौन भी लेख रचना हम तार करत बाटी और नृत्य करत बाटी समाज चाहे जहाँ जाए ओखन के सोच बा ते हमन के युवा लोगन ऐसा करे के आवश्यक नहीं बा कहे से हमारे कौन भी काम कर जता हमार ई कला से हमार ई गला से दूसरे की असर ना पहुँचे समाज में ठेस न लगे आँच ना पहुँचे उमेर से हमारे जात थे असर सभी समाज के हमारे निर्माण कर सके के हमन के युवा लोगन सोचे आवश्यक बा कौन गीत लिखले पर कौन गीत गले पर समाज में सकारात्मक असर पुगे या हमारे कौन नृत्य कैले पर कैसन नृत्य कैले पर कैसन कपड़ा पहले पर कैसन बोले पर समाज और नया हिसाब से आगे बढ़े हिसाब से जाए अतः जरूर हमारे अवसर सभी समाज के निर्माण कर सके न कि हमारे ऐसा गीत गाल जा ऐसा नृत्य कर जा समाज गंदा होते जाए अति ऐसा हमारे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बा आज हमारे बातचीत कर गिल थारू जन कवि बहादुर थारू से वहाँ के रचना भी सुनल गिल अति ऐसा आपके हृदय से धन्यवाद और हमारे के कैमरा पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद दी असल सभी समाज निर्माण के लिए हमारे गीत संगीत रचना कर जा ते ऐसा रचना कर जा ताकि हमन के समाज में सकारात्मक सोच हो। यह कथ हम संचालक और रात भी आपसे विदा होती। नमस्ते।